गाइज अगेन वेलकम बैक इनटू द आवर सेकेंड वीडियो रिगार्डिंग दिस लेसन। इन फर्स्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी। नाउ एज सून एज द शेपर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम। ही टूक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, gave him water to drink and share of his own meager meal. The king rested for the night at the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. The king went to the traveler and as the shepherd saw the, that means that poor person saw the traveler in the form of shepherd, he welcomed him very warmly and he served him in a very pleasant manner. He behaved so gently and gave all the necessary things that is needed and about his hospitality and wise conversation, the king was totally impressed with him. जैसे ही राजा को वो शेपर्ड देखता है, वो जाके उनकी तरफ जाता है। He rose to welcome him, उनका बहुत जोर से स्वागत करता है। He took the tired traveler inside the cave, और थके हुए यात्री को अपनी गुफा के अंदर लेके आता है। गिव हिम वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए उनको क्या देता है, पानी देता है। एंड अ शेयर ऑफ हीज ओन मीगर मील, अपने लिए जो भोजन बना था उसको उनके आगे वो सर्व करता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा उस रात में उसके केव में बिताते हैं। एंड सा ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और राजा काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब उनसे प्रभावित हो जाते हैं इनके सेवा से और जिस मैनर और तरीके से उन्होंने राजा का स्वागत किया। नाउ फर्दर, दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। ही सेड मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। हालांकि राजा काफ़ी थके थे उस दिन, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो ये फैसला किए थे अगले सुबह हम चले जाएंगे, इसलिए वो कहते हैं कि मैनी थैंक फॉर योर काइंडनेस, आपकी इस दया दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव, दैट मीन्स आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं यहाँ से जाऊँ। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit." That shows that the shepherd understood this person was his majesty, that means his master, Raja, king. सीधे आंखों में देख ही उस गेस्ट के, और उस शेपर्ड बोलता है क्या, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे महाराज कि आप हमारे यहाँ पधारे। द किंग वाज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा काफ़ी आश्चर्य हुए और खुश भी हुए। ही इज इन डीड वेरी वाइज, और वो काफ़ी मतलब एकदम सरप्राइज हुए थे। ही थॉट टू हिम सेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और राजा ये बोलते हैं, ये सोचते हैं कि अरे इन जैसे इंटेलेक्चुअल और अच्छे आदमी का तो हमारे लिए काम करने की ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, इसलिए राजा क्या करते हैं कि इनको अपने एक ज़िले का क्या कर देते हैं, गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द शेपर्ड रिमेंड हम्बल एज इवर, हालांकि वो अपने पावर और डिग्निटी को दिखाते हैं, द शेपर्ड रिमेंड एज हम्बल एज इवर, उनको पावर मिल जाता है
उनको मान सम्मान मिल जाता है, लेकिन शेपर्ड का जो आदत होता है हम्बल होना, कृतज्ञ होना, काइंड होना, वो नहीं छोड़ते हैं। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। जो लोग हैं, जो पब्लिक हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान देती है। किस लिए? उनकी बुद्धिमानी के लिए, सिंपैथी मतलब दया भावना दिखाने के लिए, और गुडनेस मतलब उनकी अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड, ही वॉज काइंड एंड जस्ट वन एंड ऑल। वो क्या होते हैं कि काफ़ी दयालु होते हैं, ठीक है ना। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्पियर्ड थ्रू आउट द कंट्री। उनके काम करने के तरीके, उनकी ईमानदारी या उनकी बुद्धिमानी का चर्चा इतना अच्छा से होने लगा कि पूरे राज्य में फैल गया। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेज ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग्स अगेंस्ट हिम। और भी जो गवर्नर्स अलग अलग मतलब क्षेत्र के थे, प्रोविंसेज के मतलब अलग अलग, जैसे डिस्ट्रिक्ट आप मान सकते हैं या एरिया मान सकते हैं, तो वो लोग क्या थे, उनसे काफ़ी एकदम जेल डरे भी थे और जेलस भी थे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, इसलिए उनके खिलाफ गलत बात का दुष्प्रचार राजा के सामने करना स्टार्ट कर दिया। दे सेड ही इज अ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। लोग ने सीधे अपोजिट मतलब वो लोग बोलने लगे कि ये जो देखिए बहुत ही डिसऑनेस्ट आदमी हैं, हमेशा अपने साथ मनी रखते हैं, मनी का भरा हुआ एक थैला रखते हैं, पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। ये मनी लोगों से टैक्स के रूप में कलेक्ट करके जमा किए हैं। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, इसीलिए वो हमेशा अपने साथ इसको लेके घूमते हैं। दे एडेड एन आयरन चेस्ट, मतलब अपने साथ वो एक आयरन चेस्ट लेके चलते हैं। परहैप्स ही कैरीड इट इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। संभवतः उन लोग का ये मानना है कि वो इसलिए लेके हमेशा चलते हैं क्योंकि इसमें ट्रेजर एक खजाना है, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो छुपा के चोरी से सीक्रेट तरीके से इन्होंने जमा किया है। आफ्टर ऑल दे सेड, फिर वो लोग कहते हैं, मॉकिंगली ही वॉज एड ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। मॉकिंगली मतलब मजाक उड़ाते हुए लोगों को कहते हैं कि ही वॉज एड ऑर्डिनरी शेपर्ड, वो एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप का चरवाहा है, कुछ नहीं है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, वो अच्छा से बिहेव भी नहीं करता है। ओके गाइस, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड लेट and other parts I will just make and send for you. Thank you. Thanking watching for this video.